जय कृष्णमूर्ति के द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड वाले कंसेप्ट में वो इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। देखिए ये जो कंसेप्ट है द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, आई एक्सेप्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है और इसको समझने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे एक्चुअल में, रियलिटी में, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है एकेडमिकली, और जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से ये जो ऑब्जर्वर इज़ दी ऑब्जर्व वाली जो चीज़ है इसको हम उस तरीके से नहीं देख पाएंगे। सो हम बात करते हैं तो आपको जो है वो मैं आपको थोड़ा सा पुश करूँगा, बस इसके साथ जो है बने रहे थोड़ा सा। द ऑब्जर्वर इज़ दी ऑब्जर्व में ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर आपके साथ कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मान लीजिए आपके साथ एक बहुत डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है, बहुत आपके साथ बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, उस डिलाइटफुल एक्सपीरियंस के बाद आप चाहोगे कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ हमेशा रहे, आप चाहोगे कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ हमेशा चले, आप उसी एक्सपीरियंस से हर एक चीज़ को देखोगे, तो वो जो डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है वो आपके लिए एक ऑब्जर्वर बन जाएगा। अब आप उस चश्मे से सारी चीज़ें देखोगे क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो जो एक्सपीरियंस है, जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस जो आपके लिए बना है वो एक ऑब्जर्वर बन जाएगा। या फिर आपके साथ मान लीजिए कोई एक ठीक चीज़ नहीं हुई है, आपके साथ कोई जो है वो बहुत ही सैड चीज़ हो गई है और आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया है, तो आपके लिए अब ऑब्जर्वर कौन बन जाएगा, वो बुरी चीज़, अब आप उस बुरी चीज़ से दुनिया को देखोगे, अब आप उस बुरे चश्मे से दुनिया को देखोगे, तो आपके लिए ये चीज़ ऑब्जर्वर बन जाएगी। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो हमेशा पास्ट है, ऑब्जर्वर हमेशा पास्ट की चीज़ बन रही है, लेकिन लाइफ क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लाइफ जो है वो बायोलॉजिकली देखें, ऑर्गेनिकली देखें, तो लाइफ जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड वी आर जजिंग द लाइफ विद द पास्ट नॉलेज, दैट इज़ द ऑब्जर्वर। एंड व्हेन वी कट द ऑब्जर्वर, जब हम ऑब्जर्वर को कट कर देंगे, जो हमने एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हुए हैं, तब आप एग्जैक्टली में देखेंगे कि ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। एट दैट सेकेंड यू विल नो द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व, यानी कोई ऑब्जर्वर नहीं है, बस सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ऑब्जर्वेशन। अब आपके इनर क्रिटिक, सेल्फ डाउट, फियर, एंजाइटी, एग्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। रहेगी क्या, बस वो चीज़ जो है एज इट इज़, बस वो चीज़। अगर सामने आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स दिख रहे हैं, तो सिर्फ ये चीज़ दिखाई देगी। अगर मैं इन प्लांट्स को, इन फ्लावर्स को बिना नॉलेज के देखूं, बिना, यानी कि बिना पास्ट के देखूं, तो मुझे ये बिल्कुल नए दिखाई देंगे। मेरे अंदर इनको लेकर कोई प्रीजजिस नहीं है, मेरे अंदर इनको लेकर कोई पास्ट नॉलेज नहीं है, एंड दैट इज़ वी ऑल नीड। हम सारी चीज़ों को नए तरीके से देखें ताकि माइंड फ्रेश रहे और यंग रहे। सो ऑब्जर्वर हमेशा पास्ट होता है, जब हम ऑब्जर्वर को जो है वो बिल्कुल उसको एब्सेंट कर देते हैं, तब जो ऑब्जर्वेशन होती है, उस ऑब्जर्वेशन में ना ही ऑब्जर्वर होता है, ना ही कोई ऑब्जर्व करने वाला होता है, जस्ट सिर्फ एक सिंपल ऑब्जर्वेशन होती है। सो दिस इज़ द रियल कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व। आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ समझा पाया हूँ इसमें से। सो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मैं प्रयास करूँगा कमेंट के जरिए भी ये चीज़ बताने की। थैंक यू वेरी मच।